Hello everyone, welcome to Internet Learning. Hope you all are doing well. So today we are going to study chapter number 3 of class 6th history, and the chapter's name is In the Earliest Cities. So if you haven't watched the first two chapters, then please click on the I button, there you will find the playlist. So let's start with today's chapter, In the Earliest Cities. So ye do bacche hain, Jaspal and Harpreet. तो इनके घर के पास एक ओल्ड बिल्डिंग होती है जिसे ये लोग हॉन्टेड हाउस कहते हैं, जिसे ये लोग कहते हैं कि ये भूतिया घर है। तो एक दिन ये लोग अपने घर के बाहर क्रिकेट खेल रहे होते हैं और तभी देखते हैं कि कुछ लोग जो उनका हॉन्टेड हाउस है या फिर जो वो ओल्ड बिल्डिंग है उनके घर के पास में, उसको देख रहे हैं और उसको बहुत ज़्यादा एडमायर कर रहे हैं, उसकी तारीफ कर रहे हैं। तो एक आदमी कहता है उनमें से कि लुक एट द आर्किटेक्चर, कि देखो आर्किटेक्चर कितना अच्छे से बना हुआ है, इसके आर्किटेक्चर को तो देखो। तो दूसरी वुमेन कहती है, हैव यू सीन द फाइन वुड कार्विंग, क्या तुमने देखा कि कितने अच्छे से यहाँ पे इसमें वुड कार्विंग की गई है, कि लकड़ी पर नक्काशी की गई है। वुड कार्विंग मतलब कि जैसे हम लकड़ी पर उसमें डिफरेंट डिजाइन बना देते हैं ना, डिफरेंट डिफरेंट टूल्स को यूज करके, तो कि लकड़ी के अंदर ही डिजाइन बना देना। फिर वो लोग कहते हैं कि हमें मिनिस्टर को लेटर लिखना चाहिए ताकि वो इस बिल्डिंग को प्रिजर्व करके रखवा सके, ठीक है, सो दैट She makes arrangements to repair and preserve this beautiful house. कि वो इस बिल्डिंग को प्रिजर्व करने के लिए और उसको रिपेयर करने के लिए कुछ अरेंजमेंट कर सके। अब ये दोनों सोचने लग गए कि इस पुरानी सी बिल्डिंग में किसी को क्या इंटरेस्ट हो सकता है। तो आज इस चैप्टर में हम यही जानेंगे कि ये पुरानी बिल्डिंग्स हमें किस क्या क्या चीज़ें बताती हैं। द स्टोरी ऑफ हरप्पा। सो ये जो ओल्ड बिल्डिंग्स होती हैं इनमें बहुत सारी कहानियाँ छुपी होती हैं, इनके पास बहुत सारी ऐसी स्टोरीज होती हैं जो हम बता सकती हैं, मतलब कि हम इन बिल्डिंग्स को स्टडी कर सकते हैं, इन बिल्डिंग्स को जांच पड़ताल कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें इनके बारे में हम जान सकते हैं कि जिस टाइम पर इन बिल्डिंग्स को बनाया गया था तो उस टाइम के लोगों के बारे में हमें पता चल सकता है। तो इस तरह ये जो बिल्डिंग्स हैं वो बहुत सारी स्टोरीज अपने अंदर छुपाए रखती हैं। सो आज से लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में फर्स्ट टाइम रेलवे लाइंस बिछाई जा रही थी, तब इंजीनियर्स को एक साइट मिली, हरप्पन साइट, जो कि आज पाकिस्तान में है। तो जब उन लोगों को ये साइट मिली तो उन लोगों ने सोचा कि ये तो ईंटों का ढेर है बस, और बहुत ही हाई क्वालिटी की हमें ब्रिक्स मिल रही है फ्री की, तो चलो इनको यूज़ करते हैं। तो उन लोगों ने क्या किया, थाउजेंड्स ऑफ ब्रिक्स को ले जाया गया, वहाँ की जो बिल्डिंग्स वगैरह थी, जो हरप्पा साइट की बिल्डिंग्स थी, उनको तोड़ दिया और उनकी जो ईंटें थी उनको अपने रेलवे लाइंस में बिछा दिया, और इसकी वजह से बहुत सारी बिल्डिंग्स जो थी वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गई। और उसके लगभग आज से 80 ईयर्स पहले जब आर्कियोलॉजिस्ट को ये साइट मिली, तब उन लोगों ने ये रियलाइज़ किया कि हमारे सब कॉन्टिनेंट की सबसे पुरानी सिटीज़ में से एक है। और क्योंकि सबसे पहले ये वाली सिटी डिस्कवर हुई थी, तो इसके आसपास की जितनी भी जो साइट्स थी जिनमें सिमिलर काइंड ऑफ बिल्डिंग्स वगैरह मिली थी, उन लोगों ने उन बिल्डिंग्स को जो इसके आसपास मिली है उन्हें हरप्पन के नाम से वो लोग इसको रेफर करने लग गए। मतलब जो साइट थी वो हरप्पा थी और बाकी जो उसके आसपास की वाली साइट्स थी उनको ये हरप्पन कहने लग गए आर्कियोलॉजिस्ट। और ये जो सिटीज थी ये आज से लगभग 4700 ईयर्स पहले बनाई गई हैं। सो यू कैन इमेजिन ये कितनी पुरानी हैं और आज भी कितनी अच्छी हालत में हैं। वट वॉज स्पेशल अबाउट दीज सिटीज, कि इन सिटीज़ के बारे में इतना क्या स्पेशल था, हम क्यों इन्हें इतना पढ़ रहे हैं और क्यों जो लोग इन बिल्डिंग्स को देखते हैं वो इनको प्रिजर्व करने की बात करते हैं। सो आर्कियोलॉजिस्ट ने देखा जो बहुत सारी ये सिटीज थी वो टू पार्ट्स में डिवाइडेड थी, वेस्ट वन और ईस्ट वन। तो जो वेस्ट वाला था वो थोड़ी ऊंचाई पर था, जो वेस्ट वाला पार्ट था वो थोड़ी ऊंचाई पर था, और जो ईस्ट वाला था वो नीचे था और बहुत बड़ा था, और वेस्ट वाला थोड़ी ऊंचाई पर था बट छोटा था। तो जो ये वेस्ट वाला पार्ट है इसे आर्कियोलॉजिस्ट ने सिटेडल नाम दिया, वो लोग इसे सिटेडल कहते हैं, और जो ईस्ट वाला पार्ट है जो थोड़ा नीचे है और बहुत बड़ा है उसको इन लोगों ने क्या नाम दिया, लोअर टाउन। अब ये जो सिटेडल एंड लोअर टाउन है इनके चारों तरफ जो है बेक्ड ब्रिक्स की बिल्डिंग दीवार बनी हुई थी, वॉल्स बनी हुई थी, मतलब इनको चारों तरफ से वॉल्स से सराउंड किया गया था। और ये जो ब्रिक्स थी, वेल बेक्ड ब्रिक्स थी, ये इतने अच्छे से बेक्ड की गई थी कि आज थाउजेंड ईयर्स के बाद भी ये काफ़ी अच्छी कंडीशंस में हैं। और ये जो ब्रिक्स थी इनको इंटरलॉकिंग पैटर्न्स में बिछाया गया था, इंटरलॉकिंग पैटर्न मतलब कि जैसे ये एक ईंट हो गई, फिर ये एक ईंट हो गई, और उसके बाद यहाँ इन दोनों के बीच में इनको इंटरलॉक कर दिया ताकि जो वॉल है वो और स्ट्रांग बने। तो कुछ इस तरह इंटरलॉकिंग पैटर्न्स में वॉल्स को बनाया जाता था। कुछ सिटीज़ में आर्कियोलॉजिस्ट ने देखा कि सिटाडेल में बहुत ही स्पेशल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट की हुई थी,
जैसे कि मोहन जोदारो की बात करें तो आर्कियोलॉजिस्ट को एक बहुत ही स्पेशल टैंक मिला कि जिसको आर्कियोलॉजिस्ट ने क्या नाम दिया, ग्रेट बाथ, राइट, ग्रेट बाथ। अबे जो ग्रेट बाथ था ये ईंटों का बना हुआ था, ये ब्रिक्स का बना हुआ था और उस पर प्लास्टर की कोटिंग हो रखी थी, और उसके बाद भी प्लास्टर की कोटिंग के बाद भी उसमें नेचुरल तार की कोटिंग हुई हुई थी ताकि उसे वाटर टाइट बनाया जा सके, मतलब ताकि उसमें से पानी जो है वो लीक ना करे। ये जो ग्रेट बाथ था इसमें दो तरफ से तो सीढ़ियाँ थी उसमें उतरने के लिए, और उसके चारों तरफ जो है बहुत सारे रूम्स थे। अब हो सकता है इस ग्रेट बाथ में जो पानी है वो वेल से सहलाया जाता हो और बाद में उसको ड्रेन करने के लिए निकाल दिया जाता हो, मतलब यूज़ के बाद उसको ड्रेन कर दिया जाता हो। और हो सकता है कि स्पेशल ओकेशंस पर जो स्पेशल पर्सन्स होते थे, जो इम्पोर्टेंट पर्सन्स होते थे, वो इसमें नहाते हों। जैसे कि ये है पिक्चर ग्रेट बाथ की, इसके देखो दोनों तरफ ये हैं सीढ़ियाँ हैं और इसके चारों तरफ रूम्स हैं, तो ये ग्रेट बाथ है। कुछ सिटीज़ जैसे कि कालीबंगन एंड लोथल, हेयर इज कालीबंगन एंड हेयर इज लोथल, तो यहाँ पे फायर ऑल्टर्स मिले। फायर ऑल्टर्स मतलब कि जैसे कि हम कह सकते हैं अग्निकुंड, जहाँ पे जो लोग हैं वो सेक्रीफाइसेस परफॉर्म करते हों, वहाँ पे आहुतियाँ देते हों। और कुछ सिटीज़ जैसे कि मोहनजोदारो, हरप्पा एंड लोथल, इनमें स्टोर हाउसेज भी मिले। स्टोर हाउसेज जैसे कि आज भी होते हैं ना, हम गोडाउन वगैरह में अपनी चीज़ें, अपने अनाज वगैरह या जो भी हमारा प्रोड्यूस होता है उसको स्टोर करके रखते हैं, तो इसी तरह इन सिटीज़ में बहुत सारे स्टोर हाउसेज मिले। तो हो सकता है कि उस टाइम पे लोग जो भी प्रोड्यूस करते हों, क्या पता कुछ ग्रेन वगैरह वगैरह जो भी वो फसल होती हों उनको वो स्टोर करके रखते हों। सो इन द मैप यहाँ पे मोहनजोदारो है और यहाँ पे हरप्पा है।